नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। स्वागत करते हैं हम इस मंचन के लिए। इसके पात्र जरूर काल्पनिक हैं, मगर घटना एकदम सच्ची। ऐसी कई घटनाएं हमारे आंखों के सामने रोज घटती है, मगर हम सिर्फ देखते हैं। आज हम उसे महसूस करें जो आपको वास्तविकता का आभास करवा देगी। बस आप अपना मोबाइल 10 या 15 मिनट के लिए बंद कर दें या साइलेंट, तो मज़ा दुगुना हो जाएगा और आत्मा को झंझोर देगी ये सच्ची घटना। ये कहानी जिमनावास गांव के एक किसान की है, जिसकी एक लड़की सरकारी स्कूल के 10वीं क्लास में पढ़ रही है, तो एक लड़का जयपुर में, साथ ही उसकी एक माँ भी है जो 2 साल से बीमार चल रही है। अरे, सारी मैं ही सुनाऊंगा क्या? चलो चलते हैं कहानी की ओर। अरे मेल दे बापूड़ी का मुंगा का ठोकर वाला कोई आवनाड़ा में मत मेल दे मां के मेल है बता दो हां तो ठीक है तुम्हें थोड़ी फीस दिखाई रात में आप भी थोड़ा में फिराई भी कराए मां ए मां मां भाई भाई ओए मां मां ए मां हेलो माजी तो नोटा था ए मां ए इस प्रकार गांव के कुछ लोगों और रिश्तेदार द्वारा अंतिम संस्कार कर दिया जाता है और आज 3रा दिन है। शोक सभा में किस प्रकार की चिंताएं होगी और किस प्रकार आश्वासन दिया जाता है, चलो देखते हैं सुनते हैं। अरे ले भाई हुका बेटा नहीं हूं तो काई हूं आया दगाने नहीं जाड़ो है तीजा रसम तो पूरी करनी पड़ी बाटा रख लियो, रिपे दे दियो। मारी
ठीक है सामान उमान लिया तो पापा एक और सोच लियो लो बाबा जी ध्यान रहेगा नीचे नीचे नहीं आएगा सात तारीख में नहीं ठीक है हाँ ठीक है मामलो सामान उमान लिया होता है देखो महीने हलो गोदाम में हलो तो हाँ दूरियापन जे रहे वो माल ले रहा हो क्या इस प्रकार गांव के लोगों द्वारा बहुत महंगा अनाज और धान लेके आते हैं, कचौरियां खाते हैं और लगातार उनके घर पर स्वादिष्ट खाना बनाया जाता है, जितना तो खुद के घर में भी ना खाया जाता हो। मगर अभी ये क्या बातें चल रही है, आओ देखते हैं हम भी। तो मांग दादी की दिना में नशे खोरियो काम घोन कर मांगी दादी नशे के सख खिला भी हाल है धरने दादा हालत बताई जो हालत 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 देखिए मतलब बात करो पंजाब बचा ही है हमारे भाव जाने आपने बताओ ये नहीं जानो आपने सुना तो बंदों ने डोंगरी रोई है भाई जाओ पंजाब है मुदाई ऐला रे बेटा पंजाब की छोरा रे ओके बने बड़े रो बड़ा लाई घर का 5-25 कम ही ले हाथ ले आएगा फेरू कंपनी धंधी कर जाए काम बढ़िया और देते हो तो
इस प्रकार दादाजी के मरने के बाद की सारी सामाजिक रस्में कुछ चापलूस लोगों द्वारा पूरी करवा दी गई, जो आपने देखा ही है। मगर आज उसको पूरे 7 महीने हो गए हैं और क्या बात बनती है आखिर, देखते हैं। पापा जी खेत तो क्यों खेत आप पाड़ो सी झाटो खुलो छोड़ दियो, रात ने गायां रोजड़ा बैठना आपने 50 उधेड़ दियो पूरो ये पुत्र कटाई जी खाएगा। बढ़िया अगर वाह आ तो आओ ना लुगा भाई आ ना नी भाई माने सामान लानो सब लोग घर में की तोड़ देता है, रात दो बटो हुआ है दिखाई पत में दो दिन रहे बाबा जी। हमारे जयपुर कॉलेज की फीस की लास्ट टाइम आएगी है कम टावर को 15 दिन क्यों काम लिए कौन सा शेर दीपा तो निकाल दियो लगे 3 लाख रुपया और 50,000 रुपया बीते गंगा जी का दिया कुल मिला अपन हुआ 8-10 लाख रुपया। ठीक है वो हाटी में छोड़ दे 10 लाख रुपया वो ब्याज दे 7 महीना होगा 6 महीना बोल गरीड़ो। ठीक है ना रुपया तो देने पड़े जाने आप देख रहे हैं कुछ ये रोज हमारे सामने घटती है मगर हम चाव से खाने जाते हैं। और तो कई ऐसे भी हैं जो ये कहते हैं कि जीवन तो कौन बेटी से माता दादा रिटे मार बाजी भी करियो। तो मैं आप रियलिटी आई ही है हकीकत में कि आज की किसान की हालत इतनी खराब है, अपने समाज में किसान की इतनी हालत खराब है कि बच्चों का भविष्य चौपट हो चुका है, मजदूरी में जाते हैं और उसकी पत्नी नरेगे में काम की नहीं करे जावे जरूर है। तो मैं
एक चीज आपने रिक्वेस्ट करनी चाहिए, सिर्फ और सिर्फ एक। मैं बोल रहा हूँ आज को आज ही मृत्यु भोज बंद हो जाए और मैं आज छाती ठोकर को मृत्यु भोज बंद करो तो मृत्यु भोज बंद है ना। आप खाना ही छोड़ दो, हुआ ही कौन है भाई साहब, आप खाना छोड़ दो। मैं तो कौन जहाँ मृत्यु भोज होता है वह जाने ही छोड़ दो। पिताजी कहते हैं कुछ कार्यक्रम जाओ महत्व बन जाए, गलत काम में कहा सर सिगरेट लेने भेजते हैं तो गलत आदमी है जो सिगरेट लेके आता है ना कि वो पीने वाला है। मैं तो एक चीज देता हूँ और हमारी टीम को मैं स्वागत करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ कि बहुत ही जैसे मैंने चाहा वैसा ही नाटक हुआ है। मैं मंच पर बुलाना चाहता हूँ, एक बार ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा और मैं कम से कम मैं और हमारी टीम तो ये शपथ जरूर लेंगे कि हम कभी भी मृत्यु भोज में शामिल नहीं होंगे। जो भी है कभी भी मृत्यु भोज का हिस्सा नहीं बनेंगे, हम कभी भी मृत्यु भोज का हिस्सा नहीं बनेंगे, चाहे हमारे परिवार के सदस्य हमारे खिलाफ हो, चाहे हमारे परिवार के सदस्य हमारे खिलाफ हो। धन्यवाद धन्यवाद। अब आप सभी लोगों से मेरा सवाल ये है कि मृत्यु भोज अभिशाप है या परंपरा, मृत्यु भोज होना चाहिए या नहीं? आपको बता दूं कि इसकी कहानी सच्ची घटना पर है, जिन्होंने आपने देखी है वो है हमारे जसूरिया जी, जिनका पायजामा वो दूल्हा ने पहना था, तो इनके लिए ताली होनी चाहिए कि उन्होंने हिम्मत की है। इस प्रोग्राम के पूरा का पूरा डायरेक्ट किया है राजेंद्र जी धोलिया ने और हम इसका डायरेक्ट के बगैर पूरा सहयोग नहीं कर रहे, तो जोरदार राजेंद्र जी धोलिया का स्वागत करें। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। इस नाटक में जो पात्र थे कपिल, विष्णु, जयसूर्या, मनोज, सुभाष, ज्योत्सना, धनराज सोनी, राजेंद्र धोलिया, जमुना, सरोज, प्रियंका जाजड़ा, अजय, सुशीला, तारा और कुसुम, और इस नाटक के आधार सूत्रधार थे राजेंद्र धोलिया। धन्यवाद, बहुत ही शानदार उद्देश्यपूर्ण प्रस्तुति बच्चों के द्वारा। विजयदान जी देथा जो कि राजस्थानी के मूर्धन्य कलाकार हैं, उन्होंने भी इसी कुरुति या कुपरंपरा के विरुद्ध खूब लिखा है। देथा जी की एक कहानी है जिसकी पंक्तियां हैं, मृत्यु भोज का विरोध करते हुए उन्होंने लिखा है, हिंदू धर्म की महिमा न्यारी और मरे मानुष का खर्चा भारी, धर्म कर्म की बातें जीनी, जीवित काया माटी से हिन्नी, मृत्यु उपरांत अनगिनत मोल, ढोल के भीतर बोलम बोल, सुनो सुन पड़ता डंके की चोट, धर्म की पेटी में पूरी खोट। तो धर्म और समाज के क्षेत्र में जो कमियां हैं, जो बुराइयां आ गई हैं, उन बुराइयों को शिक्षा के माध्यम से ही दूर किया जा सकता है। तो इसी शिक्षा